Hello everyone. Welcome to Gargi Classes. Today again we have five questions related to current affairs. So let's directly jump into them. Question number one is about superconductivity. Uh, which, of, with reference to superconductivity, consider the following statement. The statement one says it can be achieved at very low temperature. That very tem very low temperature is required to have superconductivity. Germanium was the first material discovered to have superconductivity. And the third statement says it refers to the state in which material offers maximum resistance to electric current. So you have to tell how many of the above statements are correct. Just take a second, answer on own answer on your own, and then I'll tell you the answer. And the answer is only one. Why? Because yeah, it can be achieved only at very low temperature. This is absolutely correct as superconductivity, absolute zero temperature be kuch conditions be required. Hota or, uh, ऑल द टाइम्स बहुत लो टेम्परेचर रिकॉर्ड होता हैसेज नियर टू एप्सल्यूट जीरो टेम्परेचर विच वॉट इज एप्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इट इज टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस नियर टू एबसे एप्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दर इज ऑल्सो रिकॉर्ड करेक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट इस germanium was the first material no germanium was not it was mercury which was first material uh, in which uh, in which uh, superconductivity was discovered so second option is incorrect it refers to the state in which material offer maximum resistance to electricity no सुपर कंडक्टिविटी का मतलब ही क्या है कि ये बहुत इजीली करंट uh, को फ़्लो होने में हेल्प कर रहा है अब करंट कैसे फ्लो होता है इट इज़ इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूव्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मैक्सिमम टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स इट इज विच आर मूव्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसकी वजह से एक एनर्जी करंट फ्लो होता है करंट प्रोड्यूस होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स uh, होते हैं ये एक दूसरे से टकराते हैं तो एक तरीके का एनर्जी लॉस होता है ऑफकोर्स इट्स अ कांड ऑफ ब्रेकर इन द पाथ तो एक एनर्जी लॉस होता है वही रेजिस्टेंस क्रिएट करता है सुपर कंडक्टिव कंडक्टिव मटीरियल वो होते हैं और सुपर कंडक्टिविटी प्रो प्रॉपर्टी होती है जिसमें रेजिस्टेंस होता है जो मिनिमम हो जाता है Hence, uh, ये वाला भी स्टेटमेंट थर्ड वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगा सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट सुपर कंडक्टिविटी रिफर्स टू द स्टेट इन विच मटीरियल ऑफर जीरो और नियर जीरो रेजिस्टेंस टू द करेंट सो थ्री वाज़ नॉट करेक्ट द करेंट इज नथिंग बट द मूमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और वो कोलाइड करने की वजह से एक दूसरे से इंट्रैक्ट करने की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी करते हैं एलिमिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैन रिजल्ट सुपर एफिशेंट इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस इसी वजह से सुपर uh, में काफ़ी रिसर्च भी हो रही है और uh, बहुत एनर्जी लॉस जो है वो मिनिमम हो जाएगा इफ सुपर Uh, हम यूज़ में अगर डेली लाइफ में आ जाएंगे बट दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव टू मेक एंड रिसर्च भी इतना ग्रोथ लेवल पे नहीं पहुंचा है कि हमारी डेली लाइफ में वो यूज हो सके बट रिसर्च इज गोइंग अराउंड दम और इस सुपर कंडक्टर मटीरियल की एक और इंटरेस्टिंग uh, बिहेवियर होता है मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड जिसमें क्या होता है दैट uh, इसका एप्लीकेशन कहाँ है इसका एप्लीकेशन एम आर में भी है और साथ ही साथ मेगलीव ट्रेन भी हैं जो यूज़ होती हैं यू हैव सीन दैट फ्लोटिंग ट्रेन जो ट्रैक uh, के ऊपर फ्लोट करती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से ही चल रही होती है वो ट्रेन तो वहाँ पर भी इन सुपर कंडक्टर्स का यूज़ होता है और ये एज आई एज आई टोल्ड यू दैट ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे वर्क करता है कई बार और टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टाइम्स ये वर्क करता है और जो फर्स्ट मटेरियल था विच वॉज यूज फॉर दिस सुपर कंडक्टिविटेस्ट दिसपर कंडक्टिविटी और डिस्कवर्ड सुपर कन्डक्टिविटी थ्रू विच वॉज मरकरी सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन नाउ लेट अस सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड दीज आर द स्टेट्स गिविन ओके सो द फर्स्ट यू हैव टू टेल अबाउट द लोकेशन इन विच स्टेट दीज आर लोकेटेड कायगा इन गुजरात कायगा इन गुजरात कडनकुलम इन तमिलनाडु काकरापार इन कर्नाटका सो लेट मी टेल यू इस मे से ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट इज दिस वन देट इज कडनकुलम तमिलनाडु क्योंकि कडरकुलम तमिलनाडु में लेकिन जो काइगा है वो वो गुजरात में नहीं है इट इज़ इन कर्नाटका और जो कर्करापार है वो कर्नाटका में नहीं है वो गुजरात है दैट इज़ मतलब काइगा काइगा इज इन कर्नाटका कड़कुलम इज इन तमिलनाडु दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड काकरापार इज इन गुजरात तो ओनली वन स्टेटमेंट हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्ट ओनली वन पेयर इज करेक्ट दिस इज द राइट ऑर्डर काइगा इन कर्नाटका कड़कुलम Kaida in Karnataka, Kadakulam in Tamil Nadu, and Kakrapar in Gujarat. Hence, option A is correct. Let us move to the next question. Uh, consider the following islands Agatti Island, Sinku Island, Kiltan Island, Rutland Island, and Bitra Island. And

इट्स टोटली कोरल कोरल बेस्ड आइलैंड इन अरेबिन सी आप पूरा उसका मैप देखिए जाके आपको रिविजन करना बहुत जरूरी है इस चीज़ का सो so, uh, इसमें से कौन से आइलैंड है जो uh, लक्षद्वीप में है तो इट्स अगति आइलैंड इज या इट इज इन लक्षद्वीप इट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट नेक्स्ट कम्स क्ल्तान आइलैंड इट इज इन लक्षदीप एंड बित्रा आइलैंड इट इज लर्न Uh, when it comes to Sinku and Rotland Island they are not in Lakshadweep they are in Andaman and Nicobar. So you have only three options correct that is uh, your correct answer is option B that is only three only three. Uh, as you know why I was in news I have already told you that because of uh, uh, as Modi have visited there or national controversy create created and uh, when you will see in the map of yours of Lakshadweep you will see that it is around 400 kilometers away of Kerala in Arabian Sea that is something which is uh, which must be known to you and if not then learn it इट्स लोकेशन इट इज अरेबियन सी एंड वहाँ पे मेजॉरिटी मेजोरिटी कौन रहते हैं मुस्लिम्स रहते हैं बट दीज मुस्लिम्स हैव लिटिल डिफरेंट फ्राम अदर्स मुस्लिम एज इनकी जो एथनिक कल्चर लिंग्विस्टिक और कल्चरल लिंक्स जो हैं वो मलाइल्स अरब तमिल्स कन्नडगी से uh, के जैसी है तो दे आर uh, हमारे मेन लैंड मुस्लिम्स कह सकते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट इनकी आइडेंटिटी है और uh, कुछ इम्पॉर्टेंट आइलैंड देख लेते हैं लक्षद्वीप के एज अब बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये सारे नेम्स याद होना यू शुड एटलीस्ट हैव माइंड कि कौन कौन सा आइलैंड जो है वो लक्षदीप है दैट इज अगति अमिनी अंद्रोत बित्रा किल्तान कवरती मिनिका आई नो दीज नेम्स आर लिटिल डिफिकल्ट टू रिमेंबर बट आप इसको पेस्ट करके अपने सामने चिपका लीजिए बिकॉज लक्षद्वीप और हम शुरू से ही दिस हैज बिन अ एरिया वो जो हम लोग काफ़ी इग्नोर कर देते हैं कई बार बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो हम इग्नोर करते हैं यू जैसे एग्जाम्स वो चीज़ें इग्नोर नहीं करती है दिज बिकम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो जस्ट रिमेंबर जस्ट टेक इन फ्रंट ऑफ योर योर डेस्क अबाउट दी नेम ऑफ दिज आइजलैंड एंड जस्ट रिमेंबर दैम आई मैंड अगेन एंड अगेन एम्फरसाइजिंग ऑन दिस ओके सो दिस क्वेश्चन इज डन लेट दिस वन इज़ द इजिएस्ट क्वेश्चन टूडे आई एल से और ये इसका आंसर तो आप लोगों को खुद देना चाहिए बिल्कुल खुद देना चाहिए बिल्कुल आपके स्टार्टिक से रिलेटेड है बस ये न्यूज इसका आंसर आप, तो आपको पता ही होना चाहिए द फर्स्ट ऑप्शन से इज पेरीओन पेरीओन इज द पॉइंट वेन द अर्थ इज एट द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन पेरी हीलियोन यू नो पेरी मतलब अच्छा नहीं आई एल नॉट टेल यू द आंसर फर्स्ट फर्स्ट लिसन टू द क्वेश्चन एपी हीलियॉन इज द पॉइंट एट विच अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन नाउ जस्ट टेक अ सेकेंड and just think what the answer is and write it it in the comment box that what answer it is because ये बहुत common question है इफ यू आर doing it wrong just go and go through your static parts you have to revise it again and again. Perihelion jo hai peri मतलब पास में you can remember like this perihelion जो होता है वो सबसे nearest helion का मतलब होता है सूर्य से related distance और per perihelion का मतलब पास में ऐसे आप remember कर लो तो पेरीलियन नहीं फारदेस्ट नहीं है इट इज़ अ क्लोजेस्ट डिस्टेंस और ये क्लोजेस्ट एज यू नो कि अर्थ जो है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे करके मूव करती दिस इज सन दिस इज समेयर अराउंड अर्थ तो जब जनवरी होता है जनवरी के मिड जनवरी में अराउंड ट्वेंटी वन अप्रॉक्स यू कैन से मिड जनवरी कंसिडर करिए उसको सन जो होता है वो इधर पे होता है दैट इज इन द मिनिमम डिस्टेंस वैसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं इन इस और इसके डिफरेंस आई थिंक फ्यू मिलियन किलोमीटर्स है बट या इट इज क्वाइट बट इट इज़ क्वाइट लार्ज डिस्टेंस लेकिन जब सन और अर्थ के बीच की इमेंस डिस्टेंस की बात करें तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता बट आई जस्ट डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर बट इट वॉज अराउंड एट मिलियन किलोमीटर्स डिफरेंस इन बिटवीन एपी एंड पेरी या समथिंग अराउंड दैट इट इज रिटन इन यू एनसीआरटी जस्ट गो थ्रू दम तो पेरी मतलब बिल्कुल पास में इट इज अराउंड जनवरी पेरी इज अराउंड जनवरी दैट इज मिड ऑफ जनवरी सो पेरी इज नियरेस्ट एंड एप्पी इज फारदेस्ट सो नाइदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट नाइदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट यू सो इट्स इट्स आंसर इज डी दैट इज ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट As I have told you that पेरी हीन कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेरी मीन्स नियर एंड हिलियो मीन्स करेक्ट। अवर सोलर सिस्टम प्लान कॉमर्स एंड एस्ट्रॉइडिकल ऑर्बिट एजल्ट दे ऑल हैव अ पेरी हीलियन एंड एन एपी द सन पेरी होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होता है और ये फारेस्ट डिस्टेंस होतीन ये जुलाई के टाइम पे होता है अच्छा हाँ ये एक भी चीज नोटिस करने वाली है दैट इज पेरी होता है वो आज आई टोल्ड यू नियरेस्ट होता है और नियरेस्ट हो रहा है और जनवरी के टाइम हो रहा है तो जनवरी में आ, हमारे सदन है मिस पेयर पे सर्दियाँ गर्मियाँ होती हैं तो यू कैन से कि जब सर्दर्न एमोस्फेयर में हमारा सन जाता है तो वो और ज़्यादा आइसोले इंसोलेशन दे जाता है इंसोलेशन देख जाता है और जब हमारे यहाँ नॉर्दर्न एमोस्फेयर में ये कंडीशन आती है तब वो जुलाई के टाइम पे आती है तब सन थोड़ा फारदेस्ट होता है तो वो कम इंसोलेशन प्रोवाइड करता है लेकिन इसका खास डिफरेंस पड़ता नहीं बिकॉज और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो इसको कह सकते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो इसका इफेक्ट खास दिखता नहीं है विद द टेम्परेचर में लेकिन हाँ ये होता है इंसोलेशन में डिफरेंस तो होता है बट इट इज वेरी बैन्य डिफरेंस कई वो नेग्लिजिबल की अराउंड ही होता है द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट दिस ये टॉपिक से दूसरी बार क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा डायग्नोस दिस क्वेश्चन इज अबाउट exposat x ray polarimetry satellite how many of the above are the objectives of exposat that is x ray polarimetry po uh, polarimeter satellite the first option says diagnostic of coronal and coronal loop plasma uh, is it an objective of this to carry out polarization uh, polarization and uh, spectroscopic measurement of x ray emission ना पोलराइजेशन इसका क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ इट वॉज योर रेस्पॉन्बिलिटी टू रीड अबाउट इट अगेन एंड अगेन अब जो जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं जस्ट आंसर मी अकाउंट ये आपका ऑप्शन तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए इस ऑप्शन के बारे में टू मेजर द पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे इसके बारे में भी हमारे पिछले क्वेश्चन में बात हुई थी तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए अब आप जल्दी से फटाफट फटा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाउ मेनी ऑफ द अब आर ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोसैट क्या इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये डायग्नोसिस करे कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का या इसका ऑब्जेक्टिव है कि पोलराइजेशन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक uh, मेजरमेंट करे एक्सरे एमिशंस का क्या इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये मेजर करे पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे का तो लेट मी टेल यू इफ यू हैव रिटन द आंसर कि इसका ऑप्शन ए है दैट इज ओनली वन बी है ओनली टू सी है ऑल थ्री और नन जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में ऑप्शन राइट करिए एंड आई एम टेलिंग यू द आंसर द आंसर इज ओनली टू नाउ दिस इज ऑब्वियस ये मिशन गया था और ये किस किस लिए मिशन ही किस लिए गया था टू मेजर द पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे सो या ऑप्शन थ्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट दिस वन इज करेक्ट टू कैरी आउट कोलराइजेशन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिकेस दिस इज ऑल्सो करेक्ट नो इट डज नॉट हैव एनी रिलेशन रिगार्डिंग इट हैज डज नॉट हैव एनी एम रिगार्डिंग कोरोनाल एंड कोरोना लूप प्लाज्मा एंड वॉट इज कोरोना लूप प्लाज्मा यू कैन से दैट दिस इज सन और इसके आस पास जो है लूप फॉर्म में एक प्लाज्मा की कह सकते हैं एक प्लाज्मा की रेज दिखाई देती हैं उनको मेजर करने के लिए को, कोरोनल लूप्स उनको ही कहते हैं तो उन प्लाज्मा की लूप्स को, को मेजर करने रेज को मेजर करने के लिए ऐसा कुछ इस मिशन में नहीं है दिस इज ओनली रिगार्डिंग एक्सरे एक्सरे सो ओनली ओनली टू ऑप्शंस आ करेक्ट दैट इज 3 एंड 2 एंड 1 इज रॉंग लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इंडियन स्पेस रिसर्च पुट इट्स फर्स्ट पोलेरोमीट्री मिशन एक्सरेक्सपो सैट ये इनका फर्स्ट पोलेमीट्री मिशन था एक्सपोसैट इन प्रिसाइज सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ सिक्स फिफ्टी किलोमीटर्स ओके सो दिस इज समिंग याद करिए बिकॉज ये मिशन अभी भी गया है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में ही तो जस्ट रिमेंबर अबाउट दिस एक्सरे पोलरोमीट्री सैटेलाइट इन इंडियाज मेड मिशन डेडिकेटेड टू एनालाइज द पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज इमेटिंग फ्रॉम ब्राइट

एक्सपेक्ट ये याद कर लीजिए कि पॉलिक्स और एक्सपेक्ट ऐसे करके याद कर लीजिए जो थे कई बार पेलोड्स पूछ लिए जाते हैं तो ये दो पेलोड्स इंक्लूड कर रहा है 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 इसमें से और हो जाते कभी का क्वेश्चन तो कि ये हाँ ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया इसमें दो पेलोड्स हैं दैट इज पॉलिक्स एंड एक्सपेक्ट And you are uh, Rao Satellite Center located in Bangalore. The objective of these missions are Pollux payloads will use uh, Thomson scattering to assess the polarimetry, uh, access the poly polarization of X rays in the energy band 3 uh, 8 to 30 uh, kilowatt emitting from uh, approximately 50 possible cosmic sources. The X एक्सपेक्ट कंडक्ट लॉन्ग टर्म स्पेक्टिकल एंड टर्मिनल स्टडीज ऑफ कॉस्मिक रेस यानी कि ये कॉस्मिक रेस कॉस्मिक रेस सोर्स से जो एनर्जी निकलती है उसके बारे में एक्सपेक्ट जो है वो स्टडीज करेगा दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेम्बर पॉलिक्स और एक्सपेक्ट पेलोड विल परफॉर्म पोलराइजेशन एंड